हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के बारे में, जो डीजीएमएस धनबाद के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एंड ये एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी भी है किसी अंडरग्राउंड माइन में स्टैचुअरी पोस्ट में ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि ओवरमैन, माइनिंग सरदार एट्सेट्रा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप लोग माइनिंग वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं तो माइनिंग वर्ल्ड का व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए एंड माइनिंग वर्ल्ड का फेसबुक अकाउंट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। माइनिंग वर्ल्ड का फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए। आप माइनिंग वर्ल्ड का इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। तो चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोगों का आज की वीडियो का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, इम्प्यूरिटीज इन माइन एयर। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डीजीएमएस ने गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन पास करना कंपलसरी क्यों किया है। जैसे कि आप सबको पता है, अंडरग्राउंड माइन एक कॉन्फाइंड प्लेस की तरह है जहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर उतना अच्छे से एंटर नहीं कर पाता है। सो ऑब्वियसली अंडरग्राउंड माइंस में जो हार्मफुल गैसेस निकलता है, जैसे कि CO, मीथेन एट्सेट्रा, उसका परसेंटेज बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रह जाता है अगर वेंटिलेशन एफिशिएंट नहीं रहा तो। इसीलिए अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाला माइनिंग सरदार, ओवरमैन एट्सेट्रा पर्सन्स को अंडरग्राउंड माइन में पाए जाने वाला हर हार्मफुल गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। एंड उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा गैसेस के अगेंस्ट कौन सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। उसके साथ साथ अगर कोई हार्मफुल गैस उसका परमिसिबल लिमिट क्रॉस करता है तो क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, वो भी पता होना चाहिए। सो इसीलिए डीजीएमएस ने गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी किया है। तो चलिए फिर आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्क्रीन पे जहाँ पे कंपोजिशन ऑफ माइन एयर लिखा हुआ है वहाँ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर होगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको जो नोट्स मिलेगा वहाँ पे भी सेम गलती किया हुआ है, आप उसको प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। जैसे कि आप सबको पता है, एटमॉस्फेरिक एयर का मेन कंपोनेंट्स है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का टोटल परसेंटेज टोटल एटमॉस्फेरिक एयर का 99% से भी ज़्यादा है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के अलावा एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एट्सेट्रा रहता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, इम्प्यूरिटीज इन माइन एयर। सरफेस एयर जब अंडरग्राउंड माइन में एंटर करता है तो उसमें कुछ चीज़ें मिल जाता है, जैसे कि गैसेस, कोल डस्ट, वेपर्स एट्सेट्रा। इन्हीं सब चीज़ों को माइन एयर का इम्प्यूरिटीज बोला जाता है। इन इम्प्यूरिटीज को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप्स है नॉन टॉक्सिक बट एक्सप्लोजिव गैसेस, मतलब वो सब गैसेस जो वर्क पर्सन के हेल्थ के लिए ख़राब नहीं होता, पर अगर ये सब गैसेस सफिशियंट प्रोपोर्शंस में रहा तो इससे एक्सप्लोजन हो सकता है। इसका मेन एग्जाम्पल है मीथेन। इम्प्यूरिटीज का सेकेंड टाइप्स है टॉक्सिक गैसेस और माइल्ड टॉक्सिक गैसेस, मतलब वो सब गैसेस जो वर्क पर्सन के हेल्थ पे बहुत कम असर डालता है। अगर ये सब गैसेस का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ तभी ये वर्क पर्सन के लिए फैटल प्रूव होगा। इसका मेन एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आता है हाईली टॉक्सिक गैसेस और एक्यूटली पॉइजनस गैसेस, मतलब वो सब गैसेस जिसका बहुत कम परसेंटेज भी एक वर्क पर्सन के लिए फैटल प्रूव हो सकता है। इसका मेन एग्जाम्पल है कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रस फ्यूम्स, सल्फर डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। ये सब के अलावा माइन एयर में और कुछ इम्प्यूरिटीज़ रहता है, जैसे कि वाटर या हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स एंड फाइन लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जैसे कि फॉग, जो एयर में सस्पेंडेड स्टेट में रहता है। ये सब के अलावा माइन एयर में कुछ सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ भी रहता है, जैसे कि डस्ट, स्मोक एंड ऑर्गेनिजम्स। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है माइन एयर का कि माइन एयर का मॉइस्चर कंटेंट नॉर्मली सरफेस एयर से ज़्यादा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये कमेंट बॉक्स में बताइए।
ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए माइनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।